गृह मंत्री अमित शाह ने 2002 में गुजरात दंगों को लेकर एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश को एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मीडिया की भूमिका, गैर सरकारी संगठनों के राजनीतिक दलों और न्यायपालिका में प्रधानमंत्री मोदी के विश्वास पर बात की। उन्होंने कहा कि 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विस्पान की तरह गले में उतारकर सहन कर लड़ता रहा और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है तब अब आनंद आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी से जब पूछताछ हुई थी और तब किसी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं किया गया था और हमने कानून को सहयोग दिया और मेरी भी गिरफ्तारी हुई थी लेकिन कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था। नजदीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चालू है हम कुछ नहीं बोलेंगे, इस स्टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया जब तक समाप्त नहीं हुई तब तक मोदी जी ने इसको प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसको सहन करते रहे। 19 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आज जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था। और तीसरा, इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है और मोदी जी जैसे वैश्विक नेता पर जो गलत आरोप लगाए थे, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर मोदी जी ने संविधान का सम्मान कैसे हो सकता है इसका एक आदर्श उदाहरण सभी राजनीति में काम करने वालों लोगों के सामने करा। मोदी जी की भी पूछताछ हुई थी, किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं करा था, देश भर से कार्यकर्ता आकर मोदी जी के समर्थन में सॉलिडारिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे,